वाह बारिश बजे 4 बजे का आप क्लाइंबिंग करेंगे, एंजॉय करेंगे फुल ऑन। ये है पदरे पदरे मैदान। और फिर लास्ट में क्या था जो मेन बात है, जब आपको स्टेडियम स्टेडियम चाबी लगाते समय चाबी हाथ से निकल जाती है, फिर मैं चाबी को उठाने के लिए जब झुकता हूँ, फिर मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और गाड़ी में बैठते ही गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। काफ़ी समय बाद अपनी बैटमैन स्टार्ट की और चलाने का एक अलग ही मज़ा था। फिर हम निकले सीधा ही धर्मशाला स्टेडियम की ओर, ये स्को बाजार को क्रॉस करते हुए। और जैसे ही सबसे अचंभित बात ये थी, जैसे ही हम लोग ऊपर पहुँचे ना, और ऊपर जाके कुछ ही दूरी पे, बोले तो 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे वहाँ हो रही थी बारिश। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ जैसे बारिश हो रही थी। ठीक यहाँ से जब हम एजुकेशन बोर्ड के पास पहुँचने ही वाला था, तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बारिश यहाँ पे। ये देखिए आप धीरे धीरे से, आपको थोड़ा नज़र आएगा कि यहाँ पर ना सड़क भी गीली होना शुरू होगी। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, बारिश बढ़ती गई, फिर काफ़ी देर वहाँ पे स्टेडियम पे के बाहर भी हमें ना इंतज़ार करना पड़ा। यहाँ से हम फिर लेफ़्ट गए एजुकेशन बोर्ड से, आगे जाके हमने एक और लेफ़्ट लिया। और मेरा स्टेयरिंग कवर इतना अच्छा है ना कि आप देखें कितना प्यारा लग रहा है। ये मैंने फुल ऑन मॉडिफाई कराया हुआ है, आप भी करवा सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। ये मैन मेड है, ये खुद ही मॉडिफाई करना पड़ता है स्टेयरिंग। और बारिश काफ़ी ज़ोर से हो रही थी, फिर आगे स्टेडियम के बाहर थोड़ी देर बारिश रुकने का इंतज़ार किया ताकि हम अंदर धर्मशाला स्टेडियम घूम सके। यहाँ हमने गाड़ी को मैंने और सनी जी ने पार्क कर दिया। फिर हम थोड़ी देर इंतज़ार करते रहे गाड़ी में कि आप निकले। और जब बारिश ने आराम दिया तो हम भी आराम से निकले। और सबसे पहले ली हमने टिकट। लेने के बाद हम लोग ने कुछ ऐसे अंदर के दर्शन किए जैसे तो जन्नत में आ गए हूँ। काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सफाई और काफ़ी बढ़िया लगा। तो आगे वीडियो देखें आप। हम सनी जी टिकट देख सकते हैं आप, और टिकट के साथ काफ़ी मज़ा लेंगे। बड़ी बड़ी खुशी है, बड़ी ज़्यादा खुशी, जैसे खुशी है पता नहीं किस चीज़ की है। 30 रुपये की टिकट ली है यार, ये बढ़िया है यार, ये तो ना इंक्लूडिंग GST है। ये आप देख रहे हैं, आप मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इंक्लूडिंग GST है। और इसके बाद का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। जैसे हम निकले और निकलते ही ना बारिश का आनंद, और अब मौसम और थोड़ा खुल चुका है। और ये है हमारा धर्मशाला का सबसे खतरनाक स्टेडियम है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। कुछ माहौल थोड़ा बीच में ख़राब हो गया, इसलिए मज़ा नहीं आ रहा वीडियो बनाने का। और ये हम तो यहाँ आप धर्मशाला का ना नज़ारा, आप स्टेडियम के साथ ये देखिए बाहर का नज़ारा। ये है पदरे पदरे मैदान। वाह बारिश का आनंद लेते हुए मैं और सनी जी, ये रहा हमारा स्टेडियम। बारिश ना एकदम आज लगी, मैं जब हम निकले तब इतनी वहाँ पे धूप थी, और जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे तो 5 किलोमीटर के सफर में ही था। और फिर बारिश का आनंद है, और आज आपको धर्मशाला का टूर करा रहे हैं। धर्मशाला का टूर जो है वो टूर, जब आपको यहाँ पे आएंगे आपको सबसे पहले टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट लेने के बाद 30 रुपये की टिकट है, विद GST देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 30 रुपये की टिकट विद GST। तो हमने भी ले ली और हम लोग आ गए अब स्टेडियम के अंदर, और काफ़ी अब आनंद लेंगे ना। जब हम निकले थे तब इतनी बारिश नहीं थी, और अब फिर बारिश को महसूस करते हुए थोड़े गीले गीले होते हुए क्रिकेट मैदान देखते हैं अंदर का जो ग्राउंड है वो कैसा है। जो ये ग्राउंड है ना, क्रिकेट स्टेडियम है जो धर्मशाला का, ये हिमाचल में एक ही है, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट तो लगा हुआ था ना, पर हिमाचल प्रदेश में एक ही है, ये पूरा हिमाचल प्रदेश में एक स्टेडियम है ये। क्योंकि इसके अलावा मुझे लगता है हमारे यहाँ देखो स्टेडियम है। तो यहाँ से वे टू रास्ता, अब यहाँ से हम अंदर को जाएंगे, यहाँ से
तो दिखाते हैं आपको अंदर क्या दिखा ना। ये देखो दोस्तों, जैसे हम लोग स्टेडियम में एंटर किया ना हमने, वैसे यहाँ मेंटेनेंस का काम चला हुआ कुछ ना कुछ ना। और यहाँ लगते चौड़े भी आपको देख लो यार, चौड़े चाड़े अच्छे चौड़े हो रहे हैं यहाँ से। बारिश ये भी पूरा लफ हो गया ना, हिमाचल में कहते चौड़े, ये चौड़े लगे हुए हैं यहाँ पे, क्या कर सकते हैं हम लोग। ये वेट अंदर आने का रास्ता है, इसके बाद आप लोग यहाँ से धर्मशाला का आनंद फिर स्टेडियम का ले सकते हैं। यहाँ पे कैमरा लगता है, ये कुछ परेशान है लड़का। आज स्पेशल आपके लिए आया हूँ वीडियो बनाने के लिए, बारिश लगी थी मैंने, चलो यार आज वीडियो बना ही लेते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया अपने भाइयों से बात किए हुए। और बारिश फिर तेज़ हो गई, आप देखें बारिश तेज हो चुकी है, अब यहाँ बारिश आएगी जड़ जड़ करती हुई। बारिश तेज हो गई है ना, इसलिए हम लोग ना वहाँ पे एक पूरा वो छत वाला बना हुआ सिस्टम, वहाँ बैठेंगे जाके। यहाँ से क्रिकेट देखना होना इतना नज़दीक से, काफ़ी मज़ा आएगा यार। ये देखो आप, तो यहाँ से यहाँ हम लोग बारिश में बैठेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बारिश अगर तेज़ होगी तो हमारे पास बैठने के लिए कुछ ना कुछ छत होना चाहिए, और जगह छत नहीं है ना। तो दोस्तों, जैसे ही आप धर्मशाला स्टेडियम में आप क्रिकेट का आनंद लेने के लिए आए, आनंद आपको पता है कि जब भी आप आनंद लें तो अपनी आप जहाँ पे आपको सीट वगैरह मिले वहाँ पे आप सीट में अपना बैठे, वहाँ सीट पे एक कंफर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ की सीट्स जो है काफ़ी कंफर्ट है, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है सीट्स में। तो जैसे ही आप सिक्स ग्यारह बजे चौका बजेगा, आप क्लाइंबिंग करेंगे, इंजॉय करेंगे फुल ऑन। और फिर लास्ट में क्या आता है जो मेन बात है, जब आपको सब कुछ मैच खत्म होने के बाद आपको सीट्स काफ़ी अच्छी हैं, बैठने में मज़ा आता है। और जब आप लोग घर जाएँ तो ऐसा है कि अगर सीट आपको कम्फर्ट लगे तो आप अपनी अपनी सीट्स जो आपने अपनी सीट्स जो आपने साथ उठा के बाय बाय कर सकते हैं। ये था आज छोटा सा एक हमारा वीडियो जो आपके लिए धर्मशाला के स्टेडियम में दिखाना चाहता था आपको, कि कैसे कैसे हम लोगों ने टिकट ली, टिकट लेने के बाद का आनंद हमारा कैसा रहा। तो आप देखें यहाँ की धौलाधार की रेंज और धौलाधार का पर्वत इतने ज़बरदस्त हैं कि व्यू आप देखें पीछे, व्यू काफ़ी ज़बरदस्त है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बारिश थी और बारिश के बाद अब का मौसम जो धूप लगी है, ज़बरदस्त धूप हो चुकी है। तो आप पीछे पीछे देखने में कितना आनंद लगता है, पीछे अभी तक धुंध पड़ी हुई है पीछे सारी ना, और उसके बाद अभी देखिए धूप इतनी तेज़ हो गई है ना कि मुझे गर्मी लग रही है। तो वीडियो पसंद आई होगी मुझे, उम्मीद करता हूँ। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और मेरा भाई थोड़ा आप समझ सकते हैं कि ये आगे चढ़ने वाले इनकी ला थोड़ी छोटी होगी, अदरवाइज हमारा शूट तो पूरा कम्प्लीट हमने आगे तक के करना था।